सारे फिर फार्म से लेके आए और हम लोग को दे रहे हैं। मिनरल कितने, पूरा बॉडी फैट कितना, उसकी पूरा लिस्ट यहाँ पे वो लोग बता दे। तो मैं ओ माय गॉड, बहुत लोग मुझे पूछ रहे कि तूने क्या किया, वेट कैसे कम किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और अभी बच चुके दोपहर के देर। मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत ही लेट की क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। लास्ट वीक मैंने अपनी ग्रोसरी भरी नहीं थी, तो मैंने अभी संडे को जल्दी फटाक से उठ के पहले जाके मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करके आई हूँ। थोड़े से वेजिटेबल्स लें, थोड़े से फ्रूट्स लें, और क्या लिया मैंने, पोहा लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरी वीक की ग्रोसरी का खर्चा कितना आता है। मैंने इसलिए साइड में रखा है, अब तक मैंने उसको ऑर्गेनाइज भी नहीं किया है। बट उससे पहले मुझे थोड़ा चिकन बनाना है क्योंकि अभिषेक अभी ऑफिस का काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी। तो चलो फटाफट से बनाते हैं चिकन। और इस टाइम का चिकन मैं थोड़ा अलग बनाने वाली हूँ, नॉर्मल मसाले वाला, ऑनियन वाला, टमाटो वाला नहीं, ये वाला चिकन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हेल्दी है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे गए थे ना बफेलो वाइल्ड विंग्स में, तो वहाँ पे मैं सैलरी खा रही थी, तब भी वो सैलरी खा के मेरे मन में ऐसे स्ट्राइक हुआ कि इस सैलरी का मैं इस संडे को कुछ अच्छा चिकन की रेसिपी ट्राई करता हूँ। तब भी मैंने मन में आया, ये फूडी लोग का ना प्रॉब्लम ऐसा ही होता है, जो कुछ हम नया चीज़ ट्राई करता है वो उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करके खुद अपना रेसिपी इन्वेंट करते हैं। तो मेरा भी वहाँ पे बैठ के ऐसा हुआ, तो ये वाली रेसिपी तब भी मेरे माइंड में आई थी। तो मैं अभी वो फटाफट से करती हूँ और अभिषेक को खाने देता हूँ और मैं भी खाती हूँ। हम कुछ अलग चिकन की रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे है मैं कैप्सिकम, यहाँ पे रेड ऑनियन, यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन, ये है लेमन जूस, ये है सेलरी जूस, यहाँ पे बारीक कटे हुए गार्लिक, ये है ब्लैक पेपर, ये है 200 ग्राम चिकन ब्रिस्ट, ये है सोया सॉस और ये है नमक। तो चलो रेसिपी स्टार्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ताकि ये थोड़ा गाढ़ा बन सके। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेवी। माय गॉड क्या मस्त बन चुकी है यार। हमारा थोड़ा सा मैक्सिकन राइस जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था बरितो का मसाला डाल के, वही वो मैक्सिकन राइस है। अभी खा के हम चिकन, और मेरा किचन देखो कितना अनऑर्गेनाइज, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है। मुझे फटाक से अभी वो साफ सुफ करना है क्योंकि आज है संडे, हफ्ते का पहला दिन, मतलब घर पूरा चकाचौक होना चाहिए, राइट। तो मैं फटाक से ये जो ग्रेवी है ना इसकी थोड़ी सी मैं आपको टेस्ट बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है एग्जैक्टली, इसकी टेस्ट कैसी है। ओ माय गॉड, थोड़ा टैंगी है, सेलरी की जूस है इसमें, थोड़ा ब्लैक पेपर है और सोया सॉस का भी अच्छा उसको एकदम फ्लेवर आ रहा है। मतलब ये ग्रेवी मेरी 100% बन चुकी है। ये ग्रेवी नहीं बोल सकते, एक्चुअली स्टार्टर है। इसके साथ थोड़ा पास्ता भी डाल सकते हो, स्पेगेटी भी डाल सकते हो, यू कैन ईट व्हाट यू वांट, बट ये इसकी टेस्ट ना बहुत ही अच्छी बने यार। ये ग्रोसरी करने के टाइम ना हम ना इसे बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने के मुझे बहुत कंटाल आता है यार। तो यहाँ पे हो गया मेरा लंच टाइम, यहाँ पे मैंने थोड़े से सैलरी लिए, यहाँ पे मैक्सिकन राइस और ये अपना वेट लॉस वाला चिकन। ये एंगल ठीक है। तो लास्ट टाइम में मैंने अपनी फुल बॉडी एनालिसिस की थी, जो यहाँ पे डॉक्टर न्यूट्रिशन है मदीना मॉल में, डेरा सिटी सेंटर में और हम मेडियम सिटी सेंटर, उनके बहुत सारे आउटलेट है। तो वहाँ पे कैसे एक वेंग स्केल होती है, तो वेंग स्केल आपको ऐसे पकड़ के वो अपनी फुल बॉडी एनालिसिस करना है, आपके बॉडी में टोटल बॉडी वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, मिनरल कितने, पूरा बॉडी फैट कितना, उसकी पूरा लिस्ट यहाँ पे वो लोग बताते हैं। तो मैंने भी अपनी फुल बॉडी चेकअप की, तो मेरे बॉडी में जो टोटल बॉडी वाटर है वो कम है, लाइक 33.4 है। तो उनकी रेंज क्या है, 33.6 टू 38.4, मतलब कि मेरा और हाइड्रेशन लेवल मुझे बढ़ाना है। जैसे कि वीकेंड आता तभी मेरे सब बॉडी वाटर इंटेक है ना इधर उधर हो जाता है, मतलब मैं फुल उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे क्या करना है, डे टू डे में जाना है और वहाँ पे ना 2 लीटर की इतनी बड़ी बॉटल होती है, तो वो कम से कम मुझे वो आराम से दो या तीन बार मुझे पीनी ही पीना। और नेक्स्ट कंटेंट है मेरा प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा मेरे इसमें अच्छा दिख रहा है, 9.2 है, और जो डॉक्टर न्यूट्रिशन बता रहे हैं उनके यहाँ पे है 9.3 टू 10.6, तो प्रोटीन इंटेक ठीक ठाक है। मिनरल है मेरा 3.8 और उनकी रेंज है 3.6 टू 4, और मिनरल भी ठीक ठाक है। और लास्ट है बॉडी फैट, तो मेरा बॉडी फैट है 20.4 और उनकी रेंज दिखा रहे 13.3 टू 20,
तो मेरा 0.4 से ज़्यादा है अभी, ठीक है अभी, इतना ठीक है अभी, और मैं कम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हाइट है 164 सेंटीमीटर और उस हाइट के हिसाब से मेरा वेट है 66.8। अभी इतना मैंने कम किया, अभी बहुत लोग मुझे पूछ रहे कि तूने क्या किया, वेट कैसे कम किया, तो मैं उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, व्हाट आई ईट इन अ डे, मतलब सुबह से शाम तक जो मैं खाती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। सो इनकेस इफ यू गाइस इंटरेस्ट है ना, प्लीज़ लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन, तो वैसे हिसाब से मैं अपना पूरा डे प्लान करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये रहे मेरी पूरी हफ्ते भर की ग्रॉसरी, इसमें खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इसमें ना बाकी पल्सेस है, ना आटा चावल कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने फटाक से इसका कॉस्टिंग बताती हूँ और मैं क्या क्या लेके आई हूँ और कौन सी सब्जी कितने दाम है वो भी आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। तो पूरे हफ्ते भर की ग्रॉसरी का कॉस्ट हो गया 93.68 दिराम, और अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या क्या लेके आया। तो ये है तुरई की सब्जी, और तुरई की सब्जी की कॉस्ट है 14.95 पर केजी, और लेमन की कॉस्ट है 7.95 पर केजी, स्पिनच 1 दिराम, तो ग्रीन चिली है 9.95 पर केजी, ग्रीन बीन्स है 12.95 पर केजी, भिंडी की सब्जी है 9.95 पर केजी, आलू 2.95 पर केजी, टमाटर 3.95 पर केजी। एक्चुअली आज के टमाटर इतने फ्रेश है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग डायरेक्ट फार्म से लेके आए और हम लोग को दे रहे हैं। देखो आप इसका कलर देखो, ऐसे पूरा इसका ये भी है पूरा एकदम मस्त, एकदम रेड रेड है, तो मुझे बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बहुत सारे ले लिए, देखो एवोकाडो उसकी प्राइस क्या है 10.95 पर केजी, कैबेज की सब्जी है 3.95 पर केजी, ऑनियन 3.45 पर केजी, ये रेड स्पिनच ये है 1 ग्राम, और ये पडवड़म, हम उसको परवल की भी भाजी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग साउथ के लोग काम करते तो वो लोग उनके लैंग्वेज में सब्जी के नाम लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा है पड़वलम, और इसकी प्राइस है 11.95 पर केजी। बनाना है 5.45 पर केजी, ये फिलीपींस का बनाना है, और मैंगो बादामी मैंगो है 10.95 पर केजी, और मैं चिकन लेके आई थी उसकी कॉस्ट है 18.95, और ये है ब्राउन ब्रेड 4.50, ये हाफ ब्राउन ब्रेड है। तो इतनी पूरी हफ्ते भर की हो गए 93.68। तो अभी बहुत बड़ा क्या काम है इस ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करना, माय गॉड ये सबसे बकवास काम मुझे लगता है। लेने के टाइम में क्या करती हूँ, ये लो वो लो, ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे भर भर के पूरा ट्रॉली भर देती हूँ, फिर उसके बाद आने के बाद कि ये अरेंज करना, मतलब बहुत नाइटमेयर लगता है मुझे। ऐसे लगता है यहाँ पे अगर मम्मी होती है तो ये काम कैसे फटाक से होते हैं, मुझे कैसे अगर ग्रॉसरी जाने बोला ना तो मैं जाके फटाक से लेके आती हूँ, लेकिन उसके बाद का जो काम होता है ना वो हे भगवान उठा लो ऐसे होता है। बाय द वे मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो ये पता नहीं ये मैंगो का स्मेल इतना मस्त आ रहा है, इसलिए मैं इसको काट के खाती हूँ, लेकिन पहले मैं मैंगो को थोड़ा पानी में भिगोती हूँ, फिर उसके अंदर उससे पहले मेरे आजू बाजू किचन में इतना सारा काम पड़ा ना, लेट मी शो यू। देखो ऐसा लग रहा है ये काम ना मेरी राह देख रहा है कि भाई आ अब हमें साफ कर, देखो पूरा किचन फैल गया। फाइनली सब कुछ हो गया मेरा, अभी किचन अच्छा लग रहा है, क्लीनिंग भी हो गया, मॉपिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, वेल डन। यहाँ पे हमारी चल रही है चाय, बिकॉज इट्स चाय टाइम। मैं कैरीफोर से लेके आई हूँ खा रही, लेकिन यहाँ पे लोग बोलते हैं सॉल्टेड बिस्किट, और ये मॉडर्न बेकरी ब्रांड का। सो आज मेरा थोड़ा मूड हो गया कि मैं थोड़ा खा रही और चाय के साथ खाऊँ, क्योंकि इवनिंग के टाइम हम लोग ये ही खाते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और आफ्टर ईयर लॉन्ग टाइम मुझे कुछ अच्छे क्वालिटी के खारी मिल गए, तो मैंने सोचा कि आज अपना इवनिंग स्नैक्स खारी और टोस्ट, नो
खाली और चाय हो जाए। तो अभी मैं खाऊंगी और ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर दी हूँ। अगर मैं और ब्लॉग करूँगी तो ये ब्लॉग और लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे अभी भी और भी काम बाकी है। कल मंडे है तो मुझे कल की तैयारी करनी है, सब कुछ प्रिपेयर करना है, मुझे वीकली मील भी प्लान करना है। तो अभी मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। सो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन कि मैं इसे छोटे से ब्लॉग करूँ और आपको थोड़ा एंटरटेन करूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे ब्लॉग करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ, बाय।